बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। न्यू जॉब नॉलेज गुरु चैनल और फेसबुक पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 175 असामियाँ खाली है, जिसके लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा से तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीक़ाकार नाज़रीन और इसी इश्तिहार की मुकम्मल डिटेल मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपको ये इश्तिहार चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है और इसे आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, jovtpak.jobjob.com। इसी तरह आपने मुकम्मल लिखना है गूगल में और सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये लिंक आपके सामने शो जाएगा, इस पर क्लिक करने से आपको ये इश्तिहार मिल जाएगा। ठीक है नदीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, ये जो असामियां है ये ईटा के जरिए आए हैं और अगर आपको ईटा या पाकिस्तान में किसी भी इदारे के ओरिजिनल पुराने हलशुदा टेस्ट चाहिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से आराम से हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है नाज़रीन, तो अब चलते हैं बाकायदा इश्तिहार की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की असामियाँ हैं, बाकी तमाम असामियाँ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। सबसे पहले जो मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने जो मैंने बता दिया या यहाँ से आप खुद वीडियो को स्टॉप करके चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ नाम और उम्र बताऊंगा। सबसे पहले मैनेजर हेल्थ कम्युनिकेशन की एक ही असामी है, इसके लिए उम्र 22 टू 40 साल है। इसके बाद लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन ऑफिसर की एक ही असामी है, इसके लिए उम्र 22 से 40 साल है। जबकि इसके बाद ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की एक ही असामी है, 32 टू 45 साल वाली उम्र वाली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च एसोसिएट की दो असामियां हैं, 22 टू 35 वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर की 40 असामियां हैं, 25 टू 40 वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट की 10 असामियां हैं, 22 टू 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज नर्स की 50 असामियां हैं, इसके लिए उम्र 22 टू 40 वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल टेक्नीशियन की 30 असामियां हैं, 18 टू 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर की 40 असामियां हैं, इसके लिए उम्र 22 टू 35 साल है। ठीक है नाज़रीन, अब आपने अप्लाई कब करनी है, अप्लाई मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन। और ये जो इश्तिहार बाकायदा ईटा की वेबसाइट पर शो होगा, तो ये होगा 27 जून को आपको शो होगा और 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है नाज़रीन, बहुत सारे स्टूडेंट अभी से ईटा की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है नाज़रीन, 27 जून का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद इसकी बाकायदा अप्लाई शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।